और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एसिड्स, कि एसिड्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एसिड्स को जो है मेनली हम टू टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं, मिनरल और लेबोरेटरी एसिड्स, एंड सेकंड वन इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स कौन से होंगे जो हमें मिनरल से मिले, यानी अर्थ क्रस्ट से जो हमें मिलते हैं, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, ये सब हमें कहाँ से हम प्रिपेयर करते हैं, मिनरल से, प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज मिनरल एसिड्स। सेकेंड इज़ द ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आर सम नेचुरली अकरिंग एसिड्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या नेचुरली अकरिंग एसिड है जो कि हमें ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर मिलते हैं, लाइक एनिमल्स या फिर प्लांट मटेरियल्स में, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, कि अब जो एसिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो क्या क्या होती हैं। तो क्या हैं एसिड्स, आर टेस्ट सोर, कि इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। एसिड्स आर वेरी कोरोसिव एंड कंसनट्रेटेड। कोरोसिव यानी कि एक तरह से कोरोजन टाइप जो है ये कर देते हैं उस चीज़ को, जब ये क्या होते हैं कंसनट्रेटेड होते हैं, यानी बिल्कुल प्योर फॉर्म में होते हैं। एसिड्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड क्या करते हैं, जो हमारा लिटमस पेपर होता है उसके ब्लू को किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका जो है ये सिंपल वो भी हो जाएगा, तरीका भी याद करने का, ठीक है, कि ए बी और आर। ए बी यानी एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। बेस के लिए यही चीज़ क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, यानी बेस क्या करता है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। ऑल एसिड्स आर वाटर सोल्यूबल। एसिड्स क्या होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करते हैं, जितने भी सोल्यूबल एसिड्स होते हैं। एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर। एसिड जो है कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, साल्ट प्लस वाटर जो है वो बना देता है। लाइक कोई भी एसिड, जैसे कि हमने HCl लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन जब हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो ये क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्ट होता है प्लस वाटर। एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी एसिड जो कार्बोनेट, जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, पोटाशियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं हम, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कोई भी एसिड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये क्या है, किसी भी कार्बोनेट किसी भी एसिड HCl के साथ, सपोज H2SO4 भी ले सकते हैं हम, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, उसी का ही सॉल्ट, यानी जो भी हमारी मेटल थी उसका सॉल्ट, यानी CaCl2 प्लस वाटर बना देंगे, और साथ में क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी। नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स, कि कोई भी एसिड जो है वो मेटल, जैसे कि हम सोडियम ले सकते हैं, पोटाशियम ले सकते हैं, एसिड में जो हम सपोज H2SO4 ले लिया हमने, ठीक है, उनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देते हैं, उसी का ही सोल्ट, यानी कि जैसे कि पोटाशियम अगर हमने लिए तो वो क्या बना देगा, पोटाशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके पोटाशियम सल्फेट बना देगा, और प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, जैसे कि सोडियम है, सोडियम HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि कोई भी एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को जो है वो रिलीज़ करता है। नेक्स्ट आर द यूजेज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के जो हैं यूजेज जो हैं वो क्या क्या है, तो एसिड्स के जो हैं क्या क्या यूज़ हैं। एसिड्स आर यूज्ड एट होम इन लेबोरेटरीज, इंडस्ट्रीज, हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है। सम कॉमनली यूज्ड एसिड्स इंक्लूडिंग, जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है, इनके हम कॉमन यूज जो है अब स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। ये इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी जो हम खाद डालते हैं खेतों में डालने के लिए, जो हम मार्केट से जो खाद लेकर आते हैं फर्टिलाइज़र, उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट जो हम लेकर आते हैं खाद। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, जितने भी एक्सप्लोजिव यानी कि बॉम्ब वगैरह जो बनते हैं, ठीक है,
या फिर पटाखे वगैरह, उनके अंदर भी जो है TNT ट्राई नाइट्रो टोलवीन की फॉर्म में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डाइज, जो कलर हेयर कलर वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सबको बनाने में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का यूज जो है वो होता है। नेक्स्ट इज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का यूज जो है वो क्या क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेंट, बैटरीज वगैरह बनाने में, घरों में जो बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है। इट एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के अंदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है, एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो यूज़ करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये हर चीज़ के साथ रिएक्ट कर लेता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ डाइज, सिलिकेट्स फॉर टूथपेस्ट, रबर एट्सेट्रा। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, डाइज बनाने में, सिलिकेट्स फॉर टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट होता है उसके अंदर सिलिकेट जो है एक सब्सटेंस होता है, उसको प्रिपेयर करने में भी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ होता है, रबर वगैरह बनाने में भी। नेक्स्ट इज़ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ कहाँ पर होता है, इज़ यूज टू रिमूव रस्ट फ्रॉम स्टील, स्टील के ऊपर से रस्ट को रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का हम यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। इट इज़ ऑल्सो यूज इन ब्लीचिंग पाउडर, लेदर प्रोसेसिंग एंड स्किन पॉलिशेज। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जो है ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, जो है लेदर को जब जो है लेदर को जो प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि लेदर को जो प्यूरीफाई किया जाता है कोई भी मटेरियल बनाने के लिए, उसके अंदर भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड डाइज, क्लोराइड वगैरह बनाने में, यानी किसी का भी क्लोराइड बनाना हो, जैसे सोडियम का, पोटाशियम का, किसी का भी, ठीक है, तो उसके लिए फर्टिलाइजर में भी और डाइज बनाने में भी। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफिक, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज। फोटोग्राफिक यानी कि जब हम क्या करते हैं, एक कोई भी पिक्चर खींची जाती है तो उससे फिर फोटोग्राफ बनाने तक की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या है, वहाँ पर एक लिक्विड यूज़ होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका प्रेजेंट होता है। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, और रबर इंडस्ट्री में भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक एसिड इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, टेक्सटाइल्स, इंक्स, डाइज वगैरह बनाने में क्या होता है, एसिटिक एसिड का यूज़ होता है। सिंथेटिक फाइबर्स यानी कृत्रिम रेशे जो हम बनाते हैं, ठीक है, टेक्सटाइल यानी कपड़े वगैरह की, इंक्स वगैरह बनाने में, डाई वगैरह बनाने में। इट इज़ यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी इसका भी यूज़ होता है सॉल्यूशन। इन लेबोरेटरी इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट ब्लड, ब्लड टेस्ट करने के लिए क्या है, एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। एसिटिक एसिड इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स एक्सेट्रा। और जो पिकल्स होते हैं हमारे, यानी अचार वगैरह जो डालते हैं, उनको एज अ प्रिजर्वेटिव यानी ताकि वो ख़राब ना हो, उसे बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सो दीज ऑल आर द यूजेज ऑफ एसिड्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेसिस। अब बेस जो है वो कितनी तरह के होते हैं, तो बेस जो है वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर हाईली कोरोसिव इन नेचर एंड कैन बर्न स्किन। कि ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं और ये क्या होते हैं, इनसे स्किन जो है वो बर्न हो जाती है। द बेसिस शुड बी हैंडल्ड केयरफुली, इसलिए बेसिस को जो केयरफुली हैंडल करना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। कि क्या है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। नेक्स्ट इज द वीक बेसिस। वीक बेस इज वन विच डज नॉट कन्वर्ट फुली इंटू हाइड्रोक्साइड आयन इन सोल्यूशन। ये क्या होता है, कम्प्लीटली यानी कि जब भी हम क्या करते हैं सोल्यूशन के अंदर, यानी कि सपोज हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लिया, ठीक है, इसका सोल्यूशन मीन्स जब हमने इसके अंदर क्या किया, वाटर को ऐड किया, ठीक है, तो जब भी हम ये करते हैं तो क्या होते हैं, ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये टूट जाते हैं किस में, सोडियम आयन और पोटाशियम आयन में, ठीक है, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन में।
तो वीक कौन से होते हैं, ये जो है फुली कन्वर्ट नहीं होते हाइड्रोक्साइड आयन में, यानी कि बिल्कुल अलग अलग नहीं होते, कुछ पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है लेकिन कुछ पार्ट जो है एज इट इज़ भी रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, लाइम, सोडा ऐश एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर द एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस, लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH की चाइस ही क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेसिस के, बेस हैव अ बीटर टेस्ट, इनका टेस्ट क्या होता है, कड़वा होता है, बीटर होता है। अ बेस चेंज रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, बेस क्या करता है रेड को किसके अंदर कन्वर्ट करता है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट करता है। बेसिस आर वेरी कोरोसिव एंड कंसंट्रेटेड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, स्लिपरी होते हैं या फिर सोपी होती हैं फील के अंदर, यानी कि इनका जो टच होता है वो बहुत सॉफ्ट फील होता है। नाउ रिएक्शन विद एसिड्स, कि कोई भी बेस लाइक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देता है, उसी का ही साल्ट प्लस वाटर जो है वो बना देता है, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन ऑल्सो इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज द यूजेज ऑफ बेसिस। अब बेसिस के जो है यूज़ क्या क्या हैं, बेसिस आर वाइडली यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, सम कॉमनली यूज्ड बेसिस जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH की ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH की ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH। वी विल डिस्कस अबाउट दिस नाउ वन बाई वन। फर्स्ट वन इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो हम क्या है हाइड्रेटेड लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेक मोर्टर, प्लास्टर, सीमेंट वगैरह बनाने में, जो प्लास्टर जो बनता है हाथों, जब हमें हमारी बोन में कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो जो प्लास्टर बनता है उसमें भी क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इट इज़ यूज इन मेडिसिन टू ट्रीट एसिड बोन्स एंड एन एंटा एसिड। इसका यूज़ और कहाँ पर होता है, अगर कोई भी जो है मेडिसिन बनाने के लिए, टू ट्रीट एसिड बर्न, यानी कि कोई भी पर्सन जिसको जो बर्न हुआ है किसी भी एसिड की वजह से, तो उसके ट्रीटमेंट में जो जो मेडिसिन होती है उसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, और एज एन एंटा एसिड, क्योंकि ये बेस है तो ये किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकता है, उसको न्यूट्रल कर सकता है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी इन द सॉइल। कई बार क्या होता है मिट्टी में जो है एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर बेस ऐड किया जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू कंट्रोल द स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है, जहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्टोर किए जाते हैं वहाँ पर भी क्या किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है हम कहाँ पर करते हैं, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका जो कलर होता है वाटर के अंदर वो एज लाइक मिल्क होता है, दूध की तरह हम ये हमें दिखाई देता है। यूजेज क्या क्या हैं इसके, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर आर यूज एज एन एंटा एसिड टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। कि जो कई बार क्या होता है स्टमक में जलन वगैरह जब होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई होगी, तो क्या किया जाता है फिर इनो वगैरह लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्पेशली वेयर द इन्फ्लुएंट्स आर वेरी मच एल्केलाइन इन नेचर। और कहाँ पर होते हैं इसका इफ्लुएंट ट्रीटमेंट, जो प्लांट का यानी कि जहाँ पर जो है प्लांट के अंदर एल्केलाइन नेचर वहाँ का उसका ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर भी क्या है उस मिट्टी में भी क्या डाला जाता है जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डाला जाता है। नेक्स्ट इज द सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है वो क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ कॉमनली नोन एज कास्टिक सोडा भी बोलते हैं इसको, आपने नेम जो है वो सुना होगा कास्टिक सोडा। इट इज़ यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पज इन क्लीनिंग, घर में सफाई करने के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है क्लीनिंग पर्पज। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैनुफैक्चर ऑफ पेपर, यानी पेपर इंडस्ट्री, पेपर बनाने में क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन द केमिकल पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल चॉकलेट्स एंड चोको प्रोसेसिंग एज वेल एज सॉफ्ट ड्रिंक प्रोसेसिंग, यानी सॉफ्ट ड्रिंक बनाना वगैरह बनाने में, चॉकलेट वगैरह बनाने में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज जो है वो होता है। नेक्स्ट इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है और क्या बोला जाता है, एक्वस अमोनिया भी बोला जाता है। एक्वस अमोनिया यानी कि अमोनिया के अंदर वाटर मिक्स किया हुआ। इट इज़ यूज एज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट इन मीट प्रोडक्ट्स, कि जितने भी मीट प्रोडक्ट्स होते हैं ताकि उनके अंदर कोई भी जो है बैक्टीरिया वगैरह ना बन जाए, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उससे उसे बचाने के लिए क्या किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सैनिटाइजर इन मैनी हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल क्लीनिंग, बहुत सी क्लीनिंग में, हाउस होल्ड की या इंडस्ट्रियल क्लीनिंग में एज अ सैनिटाइजर भी जो है किसका यूज़ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अमोनिया कम्बाइंड विद वाटर, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, अमोनिया NH3, ठीक है, और उस प्लस वाटर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अमोनिया इज़ अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया जो है वो क्या सोर्स है नाइट्रोजन का, यहाँ से हम नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एलिमेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो ये था सारा बेसिस के बारे में। नेक्स्ट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, कि किसी भी एसिड की किसी भी बेस के साथ जब रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस प्रोसेस व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स टुगेदर, जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमेशा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बनता है, और साथ में क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, हीट जो है इसमें साथ में बनती है। फॉर एग्जांपल इफ वी ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड बट इट विल मेक सोडियम क्लोराइड बना देता है, प्लस में H2O बन जाएगा और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। और एग्जांपल हो गया जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस हीट। सोप्स वी यूज डेली फॉर क्लीनिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज आर सोडियम साल्ट्स ऑफ सम एसिड, की जो साबुन वगैरह हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स में भी, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, यानी कि सफाई में जो हम यूज़ करते हैं क्लीनिंग वॉशिंग में, ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, सोडियम साल्ट ही होते हैं किसी न किसी एसिड के। आर बॉडी नीड्स वेराइटी ऑफ साल्ट, हमारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है क्लोराइड आयोडाइड सल्फेट की, बायोकार्बोनेट की, फॉस्फेट की, ठीक है, जो कि किसके होते हैं, लाइक सोडियम कैल्शियम आयरन मैग्नीशियम पोटेशियम वगैरह की। नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन इन आवर एवरीडे लाइफ, कि हमारी एवरीडे जो लाइफ है डे टू डे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का जो है क्या यूज है। फर्स्ट इज यूज ऑफ एंटा एसिड्स, एज वी हैव सीन अर्लियर इफ वी हैव एसिडिटी अटैक, जैसे हमने जो है बेसिस का जो यूज़ था वहाँ पर भी स्टडी किया था कि अगर एसिडिटी अटैक हो, यानी कि हमारी बॉडी में हमारे स्टमक में एसिड जो है वो अगर ज़्यादा बन जाता है तो हम क्या करते हैं, एक मिल्क जो है सोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि इनो आता है या फिर उसके लिए टैबलेट्स भी आती हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की आती हैं। इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, तो ये क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक्सेसिव एसिड, यानी जितना भी एक्सेसिव एसिड है जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे हमारे स्टमक के अंदर। नेक्स्ट इज सोइल ट्रीटमेंट फॉर एग्रीकल्चर कल्चरल लैंड, सोइल ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि अगर जो है हमारी जो सोइल है, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, सोइल ट्रीटमेंट फॉर एग्रीकल्चरल लैंड बिकम्स नेसेसरी एज द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक, क्योंकि जितने ज़्यादा हम फर्टिलाइजर डालते जाते हैं, ठीक है, खाद जो हम डालते हैं उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है, तो उस एसिडिक प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए, और प्लांट जो है ज़्यादा एसिडिक सॉइल के अंदर क्या है, ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है, ना ही तो ज़्यादा वो एसिडिक होनी चाहिए ना ही वो बेसिक होनी चाहिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है
क्या किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज़ हम करते हैं। अगर एसिडिक है तो उसके अंदर कोई बेस डाला जाता है, अगर सोइल जो है वो बेस हो तो उसके अंदर क्या किया जाएगा, कोई ना कोई एसिड जो है वो डाला जाएगा। नेक्स्ट इज़ द वेस्ट ट्रीटमेंट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वेस्ट बनते हैं, वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज़ कंटेन एसिड, कि जितने भी फैक्ट्रीज से जो है वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एसिड जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या करते हैं, अगर हम वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ेंगे तो उनको पोल्यूट करेंगे, और अगर सॉइल के अंदर छोड़ेंगे तो उसे भी पोल्यूट करेंगे, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस इंडस्ट्रीज वेस्ट आर ट्रीटेड विद बेसिस टू न्यूट्रलाइज दैम बिफोर रिलीजिंग। इसीलिए उन वेस्ट को हमेशा क्या किया जाता है, बाहर निकालने से पहले बेस के साथ रिएक्ट करवा दिया जाता है ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। नेक्स्ट इज द स्टिंग्स ऑफ आंट्स, यानी जब हमें मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो उसके ट्रीटमेंट में भी क्या होता है, यूज़ होता है बेस का, क्योंकि वो क्या करते हैं, एसिड को, फॉर्मिक एसिड को रिलीज़ करती हैं। इफ़ यू गेट स्टंग बाय एन आंट, रड सम मोइस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट को, जो है जिसको कि हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा भी हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। यू विल फील रिलीव्ड, उसी वक्त आपको क्या होता है, रिलीव महसूस होता है, आराम फील होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो स्टिंग होती है आंट की उसके अंदर क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी स्किन क्या होती है, जलती है, दर्द होता है, हमें पेन होता है। लेकिन बेकिंग सोडा क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा, उसके एसिडिक उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रलाइजेशन इन आर डेली लाइफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साल्ट्स। अब साल्ट्स, वी नो दैट साल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस विद द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि साल्ट कब बनते हैं, जब कोई भी एसिड जो है किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन साल्ट जो है बेस्ट एग्जाम्पल है साल्ट का, NaCl, ठीक है, कॉमन साल्ट जो घर में हम यूज़ करते हैं टेबल पर। एग्जाम्पल ऑफ सम अदर साल्ट इंक्लूड सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एट्सेट्रा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं साल्ट की, मोस्ट साल्ट आर सॉलिड, ज़्यादातर साल्ट क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जनरली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, जनरली यानी कि ऑलमोस्ट, हम 100% नहीं कह सकते, कुछ साल्ट ऐसे भी होते हैं जो सोल्यूबल नहीं होते। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म, जब सोल्यूशन फॉर्म में होते हैं यानी कि जब उसको हम क्या करते हैं, किसी भी वाटर के साथ चेक करते हैं, वाटर के अंदर जो है मिक्स करने के बाद वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दे कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, और उनका जो नेचर है वो क्या होता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। दीज आर सम यूजेज ऑफ साल्ट। अब जो हैं यूजेज जो हैं साल्ट के, ये हमारा लास्ट टॉपिक है कि जो है साल्ट के यूजेज क्या क्या हैं, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो है हमारा साल्ट हो गया, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, यानी कि जो सोप वगैरह बनाते हैं वॉशिंग पर्पज़, लॉन्ड्री के अंदर जो है यूज जो है इसका होता है, इसका सोडियम कार्बोनेट का, और पेपर इंडस्ट्री में भी होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 × 7H2O, इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जो हमारी फ्रैक्चर्ड बोन्स जो होती हैं, यानी कि किसी भी बोन में अगर फ्रैक्चर आ जाता है तो उसको राइट पोजीशन में बनाने के लिए क्या करते हैं, जो हम प्लास्टर लगाते हैं वो क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। स्टैचू वगैरह बनाने में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 × 7H2O, इसको इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। इप्सम सॉल्ट इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन एंड रिप्लेसिस द लेवल ऑफ मैग्नीशियम इन द बॉडी, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब किया जाता है स्किन के थ्रू, और ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो मैग्नीशियम होता है उसकी जो कंसंट्रेशन जो होती है उसको क्या करता है, जो है रखता है, लेवल को सही रखता है, और किसके हेल्प्स टू नरिश अवर हाउस प्लांट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल वगैरह को भी जो है नरिश करता है। नेक्स्ट इज द कॉपर सल्फेट,
कॉपर सल्फेट जो है फॉर्मूला क्या होता है इसका CuSO4, इसको जो है ब्लू विट्रोइल भी बोला जाता है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एज अ सैनिटेशन यानी सैनिटाइजर कर, लॉन्ड्री में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ की परत चढ़ाना, किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे हम जो है पीतल के ऊपर वगैरह पर चढ़ाते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज फंगीसाइड भी जो है इसको यूज़ किया जाता है, यानी फंगी को हटाने के लिए। नेक्स्ट इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट है, जो हम घर में यूज़ करते हैं और यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, यानी कि अचार वगैरह को ख़राब होने से बचाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ पोटैश एलम। पोटैश एलम क्या होता है, फिटकरी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, फिटकरी जो है वो क्या करता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए किसका यूज़ होता है, पोटैश एलम का यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एसिड, बेसिस, सॉल्ट, देयर यूजेज, प्रॉपर्टीज़ एट्सेट्रा। थैंक यू।